लालू के हनुमान भोला यादव के घर छापा, 7 सदस्य टीम ने की कार्रवाई। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक भोला प्रसाद यादव के घर छापा पड़ा है। आयकर विभाग ने भोला यादव के पैतृक घर कपछाही तथा बहादुरपुर स्थित आवास पर छापेमारी की है। छापेमारी में आयकर विभाग के 7 सदस्यों ने मिलकर कार्रवाई भी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीम बुधवार के सुबह करीब 6 बजे राजद के पूर्व विधायक भोला यादव के बहादुरपुर स्थित आवास पर पहुंची और उनके घरों में रखे कागजातों को खंगाला और निकाल गई, जिसके बाद आयकर विभाग की टीम ने भोला यादव के पैतृक घर कपछाही में छापेमारी की। वहीं छापेमारी के बाद उनके आवास पर मौजूद लोग कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के तत्कालीन ओएसडी भोला यादव को नौकरी के लिए कथित जमीन लेने मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं कार्रवाई के बाद भोला यादव का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। बताते चले कि भोला यादव लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में वह बहादुरपुर सीट विधायक से चुने गए थे, लेकिन 2020 चुनाव में वे गायघाट सीट से चुनाव हार गए। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने आज पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के तत्कालीन ओएसडी भोला यादव को नौकरी के लिए जमीन लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। बिहार में पटना और दरभंगा में 4 जगहों पर तलाशी जारी है। भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे। लालू यादव उस वक्त के रेल मंत्री थे और यह घोटाला भी उसी समय का है। भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, या यूं कहे कि माना जाता है। दरअसल ये मामला साल 2004 से 2009 के रेलवे भर्ती घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उस समय नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था, चूँकि पैसे लेने में रिस्क था, इसलिए नौकरी के बदले जमीन ही ले ली जाती थी। वहीं इस तरह के अवैध काम को अंजाम देने के लिए लालू के उस समय के ओएसडी भोला यादव को ही जिम्मेदारी दी गई थी। दरअसल भोला यादव लालू यादव के बेहद करीबी हैं। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में वह बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि तेज प्रताप को बिल्कुल पसंद नहीं है भोला यादव। जी हाँ, बता दें कि तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि पापा को परिवार और बिहार की जनता की जरूरत है, ना कि चापलूसों की। कुछ बाहर वाले लोग खुद को मुंह मियां मिट्ठू बता रहे हैं, भोला भाला बन पिताजी की सेवा कर दिखावा कर रहे हैं। ऐसे कपटी और पाखंडी को जल्द बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तेज प्रताप यादव ने भोला यादव पर लालू को गीता पाठ पढ़ने से रोकने का भी आरोप लगाया था। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।